वही वाह, तवे की जगह जलेबी की कढ़ाई, और इसमें हमारे मक्खन में एकदम सेके जा रहे हैं कुलचे। अय क्या करा रहे हैं। तो आज हम लाए हैं ये आपके लिए रेसिपी, दिल्ली वाले छोले कुलचे। देखिए ये सारा सामान है, देखो छोले भी बन रहे हैं, बिल्कुल दुकान के स्टाइल में बताएंगे आपको छोले कुलचे बनाना। सफ़ेद मटर लिए जी हमने आधा किलो, इसे छान बीन कर और धोकर अच्छी तरह पानी में भिगो देना है 7-8 घंटे के लिए, ज़्यादा भिगा सको और बढ़िया है। 8 घंटे भींगने के बाद देखो हमारे ये कितने सॉफ्ट हो गए दाने, आराम से छिलका उतर रहा है इनका, 2 दाने हो जा रहे हैं 1 दाने के। तो इस प्रकार आपको अब इनको हम कुकर के अंदर डालेंगे उबालने के लिए, और इनको 2 सीटी लगाकर बढ़िया तरीके से उबालना है। और फिर चेक करोगे आप, अगर ज़्यादा सख्त लगे तो 1 सीटी और लगा लेना, फिर भी ज़्यादा सख्त लगे तो 1 सीटी और लगा लेना। पानी कितना डालना है इस पर ये देखिए, बिल्कुल इसके लेवल तक, जितने ऊपर तक छोले हों कुकर में उतना ही लेवल तक पानी डालना, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। और जितना भी आप मुलायम रखना चाहें तो उतनी ही एक एक सीटी और बढ़ाते जाएँ 2 सीटी के बाद। ये कुकर के वाल में थोड़ा सा ऑयल लगाया हमने, इससे हो गया जो ऊपर को जब उबलते हैं तो झाग निकलते हैं इसमें से, वो निकलने थोड़े बंद हो जाएंगे और वाल भी बंद नहीं होगा हमारा। ये हरे धनिया और हरी मिर्च है, इसका पेस्ट बनाना है क्योंकि हरी चटनी डलती है। ये इमली है, इमली का भी पेस्ट बनाना है। ये भिंगा के रख दी हमने, इसका पेस्ट बना लेंगे। खट्टेपन के लिए कुलचे वाले इमली का पेस्ट डालते हैं, या हरे धनिया और इमली का पेस्ट इकट्ठा ही बना लेते हैं, चटनी वो डाल देते हैं। ये पीस लेंगे हम, इसको तैयार कर लेंगे। और ये सजा दिया हमने अपना सेटअप सारा, देखिए कितने सारे आइटम हैं, कुलचे वाले के पास भी नहीं मिलते होंगे इतने आइटम छोले बनाने के लिए। ये देखिए जी ये सारा सेटअप है अपना, मक्खन है अमूल, फ्राई मिर्चे हैं सलाद में ऊपर डालते हैं जो, ये अपने मटर उबल गए हमारे, ये देखो कितने मुलायम हो चुके हैं। ये कुलचे हमारे बेकरी से मंगाए हैं, टाइम नहीं था तो हमने बेकरी से मंगा लिए, वरना हम घर पे बना के दिखाते हैं आपको होममेड। ये चुकंदर के जूलियंस, ये उबले हुए आलू के टुकड़े, प्याज और खीरे और नींबू का सलाद, ये अचार है अपना, ये है चाट मसाला, प्याज चॉप की हुई, ये इमली का खट्टा पानी पेस्ट, ये हरे धनिया और मिर्च की चटनी, नमक, पीली मिर्चें और स्पेशल गरम मसाला, हरे धनिए और चॉप किए हुए टमाटर। तो इन सारी चीज़ों से आज छोले बनाएंगे हम, और आपको दिखाएंगे किस प्रकार छोले बनाने हैं। सेकने के लिए हमने बड़े तवे की जगह हमारे पे जली हुई कढ़ाई थी वो ले लिए, इसके अंदर मक्खन में कुलचों को सेकेंगे। तो शुरू करते हैं जी, पत्ता बनाना जैसे कुलचे वाले भैया बनाते हैं पत्ता, एक पत्ते के हमने छोले ले लिए 1 पत्ते के बराबर। इसमें उबले आलू गए, प्याज, ये चॉप किए हुए टमाटर, बिल्कुल कुलचे की ठेली रेडी वाले और दुकान वालों के स्टाइल में बताएंगे ये आपको। ये स्वाद अनुसार नमक, ये चाट मसाला स्वाद अनुसार, पीली मिर्चें स्वाद अनुसार, और ये खट्टेपन के लिए इमली का पेस्ट, ये हरी चटनी, ये अपना गरम मसाला। हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, चाहो तो चम्मच की सहायता से इनको फोड़ भी सकते हो। देखिए ये इस प्रकार आपको मिलाना है सबको मसालों को इसमें अलट पलट कर, और क्या बढ़िया तरीके से, दुकान वालों से भी बढ़िया छोले और स्वाद है इनका। मटर छोले बोलते हैं, होते तो मटर है ये, सफ़ेद मटर। ये हमने भैया की तरह बना लिए, जैसे वो अलग अलग बर्तन में बनाते हैं इकट्ठे, फिर दोनों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये दोनों बना दिया हमने। अब इसकी होगी गार्निश, ये देखिए ये नींबू निचोड़ा हमने, बिल्कुल दुकान वालों के स्टाइल में, दिल्ली के वालों के स्टाइल में। ये हरे धनिया गए ऊपर, ये फ्राई हरी मिर्च चटकारे के लिए, ये आम का अचार मिक्स पिकल है, ये जूलियंस, और ये पत्ता हमारा बन के देखो तैयार है। ये देखिए ये बड़ी बड़ी दुकानों पे ऐसे छोले मिलते होंगे, ये सजा दिया हमने। अब बनाते हैं सलाद का पत्ता, ये प्याज ले ली हमने, प्याज के लच्छे, और ये अपने खीरे, नींबू निचोड़ दिया इनके ऊपर,
चाट मसाला डाल देंगे इस पर बढ़िया फ्लेवर के लिए, चटपटे बन के लिए। ये सलाद हमारा बन के तैयार है। ये एक हरी मिर्च और रखी। लो जी, आधी प्लेट हमारी तैयार है छोले और सलाद के साथ। अब कुलचे फ्राई करेंगे। लो जी, कढ़ाई ले ली हमने, तवा थानी हमारे पे बड़ा, जैसे बड़ा तवा होता है उनके पास, हमारे पे जलेबी कढ़ाई है। हम इसी पे मक्खन डाल के कुलचे फ्राई करेंगे। ये देखो जी, मक्खन ले लिया हमने, भर के डालो मक्खन, आपकी मर्जी जितना खाना चाहते हो आप। बस ऐसे उनमें लपेटो कुलचों को मक्खन में और छोड़ दो सिकने के लिए। पलटते रहें पलटते रहें, दोनों तरफ से इनको बढ़िया सेकते रहें। जितने करारे क्रंची चाहिए उतने सेक सकते हैं, मुलायम चाहिए मुलायम सेक कर रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में सेकना। ठीक है जी, देखिए इस प्रकार दबा दबा के एक दूसरे से एक दूसरे को और फ्राई करने हैं इनको, सेकना है मतलब अपने मन के मुताबिक, जैसा आपका मन चाहे और जैसे आप खाते हों बाज़ार में कुलचे मुलायम करारे, उसी प्रकार आप मुलायम या करारे बना लें। इसके ऊपर डालेंगे अब हरे धनिया की पत्तियाँ, अजवाइन भी डाल सकते हो आप। देखिए मक्खन की खुशबू आपके घर तक उड़ती चली जा रही है। देखो जी, अब हमारे ये कुलचे सिक चुके हैं, तैयार हो गए हैं देखो दोनों तरफ से। और ज़्यादा सेकना चाहो तो आप सेक सकते हो, धुआं उठ रहा है तवे पे। और देखो जी क्या कलर आया, क्या रंगत आई है, हमारे कुलचे सिक के तैयार हैं, फर्स्ट क्लास दिल्ली वाले। प्लेट में कुलचे सजा के रख दिए और ये हमारी प्लेट तैयार है। देखो कैसी लगी आपको हमारी छोले कुलचे की रेसिपी, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। देखिए जी एक बार इसी तरीके से बना के ज़रूर चखें।